और आवाज क्यों उठे, उसको अपना काम करना है। हाँ, कोडार बांध में अगर घपला किया होगा तो उसकी आवाज उठ सकती थी, मैंने सुना था उसको, लेकिन उसमें फिर रिजाइन, जो उसने प्रमाण पत्र को निरस्त किया है, जो बातें सामने आई है, उसके बाद में सारी प्रक्रिया तो स्वतः होगी, उसके बाद सारा काम एक साथ ही होना है, वो तीनों जो मैंने बताया, रिकवरी भी और FIR भी, ये सारी बातें एक ही साथ होना चाहिए। आपने वो जो छत्तीसगढ़ में इस तरह के फर्जी लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी, वो किताब नहीं देखें क्या? उसमें कंडिका 8, कंडिका 9 और कंडिका 10 देखें, सारा लिखा हुआ है। ये दोनों बाप बेटा दोनों खिलाफ हो रहे हैं। अब बेटा बाप अगर कोई रंग ढंग का है और बेटा उसकी भिन्न है, ऐसा होता तो है नहीं सामान्य। उसकी सजा उसको मिलेगी, मतलब सजा सभी को मिलेगी, जो जो गड़बड़ किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, सजा सभी को मिलनी चाहिए। साय जी जो तो भी बोल रहे हैं कि व्यथित होकर साय और संत कुमार नेताम ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल लिया, व्यथित होकर, क्योंकि साय को 2 बार हराया हो और संत कुमार नेताम तो वैसे ही गलत एफिडेविट दिए हैं, तो ये लोग दुखी होकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोले हैं। ये तो ये सुखी होकर के आदिवासी बन गया है क्या? मैंने हमने दुखी और सुखी का बात हमारे पास तो नहीं है। ये अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति नहीं है, ये हम जानते थे, और यहाँ चुनाव भी लड़ा और उसके बाद में उसकी जीत हो गई गणना में, और यहाँ पर उसके प्रमाण पत्र अवैध थे, उसको भी मैंने चैलेंज किया है कि भाई ये प्रमाण पत्र जो है गलत तरीके से इसका स्वीकार हो गया है। इसीलिए मैंने पार्टी में जोगी के साथ में कलेक्टर तत्कालीन जो यहाँ बिलासपुर में था उसको भी बनाया, क्योंकि हमने निरस्त करने के लिए कहा था। हमने कार्रवाई इसके विरुद्ध में, इसके अवैध और आदिवासियों के हक, उनके हितों को नहीं, उस वर्ग का नहीं होने के कारण भी छीनने की जो कोशिश की है, इसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़े हैं, कोई व्यथा पथा से हमने नहीं किया। उसमें क्या कार्रवाई और चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तो हाई पावर कमेटी को स्वयं को करना, उसके किसी के चाहने और नहीं चाहने का विषय नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में जो गाइडलाइन है वो साफ साफ है। इस जाति के मामले को निर्णय करने का अधिकार केवल ये हाई पावर कमेटी का, ये न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इस पर आगे की कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो हाई पावर कमेटी ने जो निर्णय लिया वो उसके अधिकार का है, वही गाइडलाइन है और उन्हीं को आगे की सारी कार्रवाई करनी। उसने तो कह दिया कि योगी आदिवासी नहीं है का फैसला ले लिया। हाँ, अब आगे क्या होना चाहिए? नहीं, उसमें उनको सब पता है, वो पता नहीं क्यों क्या करेंगे कब करेंगे, ये अलग मैटर है, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना था, उनको डिले हो गया, बहुत सारे विषय आ गए। मेरी यहाँ के कारण जल्दी हुआ, ऊपर प्रधानमंत्री उसमें जो है नियमतः जो व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएंगे, उसके बाद वो जब्त हो जाएगा, उसके आगे की प्रक्रिया चूंकि जनजाति वर्ग का नहीं है, आदिवासी नहीं है, इसलिए उस पद में रह करके उसने इसके सारे सुविधाओं का उपभोग किया,